क्या आपको पता है आपकी आंखों के नीचे एक छोटा सा होल होता है और उसका क्या काम होता है, और वर्ल्ड कप में यूज होने वाले बेल्स की क्या कीमत होती है, और स्कूल्स में ये एग्जाम्स लेने का आइडिया कहाँ से आया। इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे 15 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने कभी कहीं नहीं सुने होंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 15, कुछ लोगों को जितना मर्जी समझा लो पर वो फिर भी दीवारों पर कुत्ते जैसा मूतने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जर्मनी की एक कंपनी ने एक ऐसा पेंट तैयार किया है जिस पर अगर कोई पेशाब करता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी आदमी पर गिर जाता है। इस पेंट में रिपल्सिव केमिकल होते हैं जो पानी को अब्सॉर्ब नहीं करते, और अगर वाटर ड्रॉप्स उस पेंट पर पड़ते हैं तो वो उस पेंट से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नंबर 14, वर्ल्ड कप मैचेस में आपने ये चमकती हुई बेल्स जरूर देखी होंगी। इन बेल्स की मदद से ग्राउंड में दूर से बैठे फैंस को भी पता चल जाता है कि कब बैट्समैन रन आउट हुआ है और कब बैट्समैन बोल्ड आउट हुआ है। और क्या आपको पता है इस एक बेल की कीमत लगभग एक आईफोन जितनी होती है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। ये बेल्स इतनी महंगी इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच एक IR सेंसर लगा होता है जिसकी वजह से स्टंप्स थोड़ा सा भी हिलने पर उसी वक्त लाइट अप हो जाते हैं और जिससे पता चल जाता है कि बैट्समैन बोल्ड हो चुका है। नंबर 13, 1569 में जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए राउंड शेप्ड बुक्स होती थी। उस वक्त रेक्टेंगुलर बुक्स भी होती थी, पर यंगस्टर को राउंड शेप्ड बुक्स ज्यादा पसंद थी क्योंकि ये दिखने में बहुत ही कूल लगती थी। पर इन राउंड शेप्ड बुक्स को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता था और ये हाथों से बहुत जल्दी फिसल जाती थी, जिस कारण राउंड शेप्ड बुक्स ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और आज के जमाने में सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप की बुक्स हैं। नंबर 12, अगर इंडिया में कोई कार खरीदनी हो तो उसके लिए बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। डीलरशिप के पास जाओ और उसे पैसे दो और अपनी मनपसंद कार ले आओ। पर अगर यही कार आप जापान में खरीदना चाहते हैं तो ठहरिए, जापान में गाड़ी खरीदने से पहले आपको पार्किंग स्पॉट का सर्टिफिकेट लेना होगा। जी हाँ, अगर आपके पास कार पार्क करने के लिए अपनी पार्किंग स्पॉट नहीं है तो आपको कार नहीं खरीदने दिया जाएगा, ये वहाँ का लॉ है। पर अगर पार्किंग स्पॉट के बिना आप गाड़ी ले भी लेते हैं तो आप उसे स्ट्रीट में पार्क नहीं कर सकते क्योंकि उसे रोड से उसी वक्त टो कर दिया जाता है। नंबर 11, हम सब ने खूब मैगी खाई है, वो चाहे हॉस्टल की हो या फिर घर की, पर हम सबको ये भी पता है कि मैगी को बनाने में सिर्फ 2 मिनट नहीं लगते। पर फिर भी मैगी की एड्स में क्यों कहते हैं कि 2 मिनट में रेडी मैगी? दरअसल शुरुआती दिनों में कंपनी ने ऐसा ही बोला था, पर जब उन्हें पता चला कि मैगी 2 मिनट में रेडी नहीं होती तो उन्होंने अपनी टैगलाइन को चेंज कर लिख दिया हैप्पीनेस इन 2 मिनट्स। इसका मतलब है कि मैगी को खाने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं। कंपनी अपनी टैगलाइन चेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने 2 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं डाला तो उनकी मैगी की बिक्री में गिरावट आ सकती है। नंबर 10, अगर आजकल के बच्चों को वो आदमी मिल जाए जिसने एग्जाम्स की इन्वेंशन की थी तो वो उसे मार ही डालेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है एग्जाम्स की शुरुआत कैसे हुई थी? 90s के टाइम में हेनरी फिशर नाम के एक बिजनेसमैन ने अमेरिका की सरकार को एक प्रपोजल दिया था जिसमें बच्चों को उनके ग्रेड्स और मार्क्स के बिहाफ पर उनकी इंटेलिजेंसी को मेजर किया जाने लगा, और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत हुई और ये सिस्टम काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एग्जाम्स लेने का रिवाज शुरू हो गया। बच्चों की इंटेलिजेंसी को उनके मार्क्स से कभी नहीं मापा जा सकता, पर फिर भी लोग अभी भी ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों को ही इंटेलिजेंट समझते हैं और कम मार्क्स वालों को नालायक। नंबर 9, जर्मनी में ट्रैफिक सिग्नल पर रोड क्रॉस करने के लिए वेट करते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, और उसकी वजह है ट्रैफिक पोल्स पर लगे ये छोटे से टैबलेट। ये टैबलेट जेब्रा क्रॉसिंग के दोनों साइड में लगे होते हैं, जिससे दूसरी साइड में खड़े इंसान के साथ आप टेबल टेनिस और पिंग पोंग जैसी गेम्स खेल सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इस गेम के चक्कर में कई लोग ग्रीन लाइट होने पर भी रोड को क्रॉस करना पसंद नहीं करते। नंबर 8, रसोई में दूध गर्म करते वक्त आप अक्सर भूल जाते होंगे और उसका नतीजा कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पर हमेशा दूध ही क्यों उबलता है, पानी क्यों नहीं उबलता, क्या कभी सोचा है? तो इसका कारण है कि दूध के अंदर जो मलाई होती है वो गर्म होकर दूध के ऊपर एक लेयर बना लेती है, जैसे मानो दूध को अपने अंदर कैद कर लेती है, और जिसकी वजह से दूध को इवेपोरेट होने के लिए कहीं से भी कोई जगह नहीं मिलती, जिस कारण दूध उबल जाता है। पर पानी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं जिस कारण पानी ओवरफ्लो नहीं करता। नंबर 7, ये फैक्ट आपको थोड़ा क्लेवर बना देगा। अगर आप किसी रूम में कई लोगों के बीच बैठे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आपकी तरफ देख रहा है तो आपको सिर्फ एक उबासी लेनी है। अगर उस रूम में कोई और पर्सन उसी वक्त उबासी लेता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी तरफ देख रहा था और या फिर आपकी ओर इंटरेस्टेड है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि उबासी बहुत ही कॉन्टीजियस होती है, ये आपके माइंड को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है। अगर कोई इंसान उबासी ले रहा होता है तो उसको देखने वाले आदमी को भी उबासी आ जाती है। नंबर 6, आप जब भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं तो आप अक्सर भूल जाते होंगे कि कौन सी साइड पेट्रोल की टंकी है, जिस कारण आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी को कई बार रॉन्ग साइड में पार्क कर देते होंगे और पेट्रोल डालने में बहुत दिक्कत आती होगी। पर क्या आपको पता है इसके लिए कंपनीज ने एक आसान सा सलूशन निकाला हुआ है
जिसका आमतौर पर कई लोगों को नहीं पता। अगर आप पेट्रोल मीटर में ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक इंडिकेटर होता है और उस इंडिकेटर का डायरेक्शन जिस साइड में होगा उसी साइड में आपकी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी होती है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, आपको सिर्फ उस एरो को देखना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल की टंकी कहां पर है और आप धोखा नहीं खाएंगे। नंबर 5, दोहा के कतर सिटी में ब्लू रोड्स बनाई जा रही है। पर वेट अ मिनट, आखिर वहां की सरकार रोड्स को ब्लू कलर करने में इतना पैसा क्यों खर्च करेगी? तो उसका मेन कारण है वहां की गर्मी, जो ज्वालामुखी जैसे गर्म होकर 50 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है। ब्लू रोड्स आंखों में धूप को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती और ये कलर बहुत ही काम होता है, जिस कारण टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ऐसे में आने वाले सभी टूरिस्ट को बहुत आसानी होगी रोड्स पर चलने में और ये वहां पर अच्छी लुक देने के लिए भी किया गया है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट ओनर ने कस्टमर को खाना खाते टाइम मोबाइल ना यूज करने पर 10% डिस्काउंट देने का आइडिया निकाला है। अब जरा इस पिक्चर को गौर से देखें, कैसे लड़कियों का डैड स्माइल कर रहा है और उसकी तीनों बेटियां उदास होकर बैठी हैं क्योंकि वो चाहकर भी मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकती। ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया है कि अब रेस्टोरेंट पर बैठने के लिए 3 दिन पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं रात को सोते समय आपको कभी भी रीडिंग करने का सपना नहीं आ सकता? जी हाँ, आप कभी भी अपने सपने में कोई बुक नहीं पढ़ सकते और इसका कारण है कि रीडिंग और ड्रीमिंग हमारे ब्रेन के दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो एक वक्त पर कभी भी साथ काम नहीं कर सकते। नंबर 2, जरा सोचिए अगर कोई चीज आसमान में रेनबो से टकरा जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ देखने को मिला अमेरिका के टेक्सास में, जब एक टोर्नेडो रेनबो के बीच में से गुजरता हुआ उसे अपनी चपेट में ले गया। इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि जैसे टोर्नेडो ने रेनबो के सारे कलर सक कर लिए हों। नंबर 1, आपको शायद नहीं पता होगा पर हमारी आंखों के निचले हिस्से में एक छोटा सा होल होता है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहां पर ये क्यों होता है। असल में हमें जब भी आंसू आते हैं तो वो आंसू इस होल से होकर नीचे हमारी आंख में चले जाते हैं और हम जब भी रोते हैं तो हमारी नाक इसी वजह से बहने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, इसे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने में, और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।